नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सभी को राम राम। और सब कैसे हैं? आशा है सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों ये देखिए, ये मेरी पिटूनिया के पौधे हैं, बहुत ही सुंदर खिले हुए हैं। तो दोस्तों आज मैं अमरूद के पौधे की रिपोटिंग करूंगी, जो 2 महीने पहले मैंने किया था। पहले मैं नर्सरी से लेकर आई थी इस पौधे को। तो दोस्तों ये देखिए, अब इसमें नई नई पत्तियां भी आ गई हैं। दोस्तों ये पहले पत्तियां पूरी गिरा चुका है, ये फिर से निकली हैं। दोस्तों ये देखिए, इसमें जगह जगह फुटाव भी आने लगा है। दोस्तों ये तो मैं इसे अब उसको, यहाँ से भी निकल रहा है, यहाँ से भी निकल रहा है, शूट से यहाँ से भी निकल रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, ये मेरा ग्राफ्टेड है, ये मैंने आप लोगों को पहले भी दिखा चुकी हूँ। दोस्तों आज इसको मैं एक बड़े गमले में रिपोर्ट करूँगी। तो दोस्तों बगल में कुछ काम चल रहा है, खटर पटर की आवाज़ आ रही है, तो प्लीज़। तो ये देखिए, ये मेरा वही टब है जिसमें मैंने आलू लगाया था, बड़े टब थे इसीलिए मैंने इसको खाली भी किया था, क्योंकि एक टब में नींबू लगाना है, एक में अमरूद लगाना है। तो आइए देखते हैं, मैंने इतनी मिट्टी भर ली है, अब उसको रखकर देखते हैं कि हमें और कितना भरना है। दोस्तों इसकी मिट्टी थोड़ी सी हट गई है, इसमें हमें और थोड़ी सी मिट्टी भरनी पड़ेगी, क्योंकि अभी थोड़ा नीचे है, थोड़ा सा और भर लेते हैं। दोस्तों ये देखिए, अब एकदम सही है, हम इतनी मिट्टी भर देंगे और 2 इंच खाली रखेंगे खाद पानी देने के लिए और मिट्टी वगैरह देने के लिए। हम इसके चारों तरफ मिट्टी भर देंगे। दोस्तों मिट्टी बनाने के लिए मैंने 1/2 पार्ट मिट्टी और 1/2 पार्ट गाय का गोबर लिया है। मिट्टी मेरी पहले से थोड़ी ठीक थी, इसलिए बालू वगैरह नहीं मिलाया है। ये देखिए, ये मैंने भर दिया है, लगा दिया है। दोस्तों ये सब आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा दोस्तों, लेकिन ये देखिए कि इसमें फुटाव आ गया है, इसको बड़े गमले की ज़रूरत थी। दोस्तों यहाँ से भी आ रहा है, ये देखिए यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा। दोस्तों यहाँ से पत्तियाँ सब झड़ गई थी, फिर से निकला, तो मुझे लगा था सूख जाएगा दोस्तों, लेकिन ये बहुत अच्छा है। तो दोस्तों ये देखिए, मैंने इतना भर दिया, इतना खाली रखा है, अब इसमें हम खाद पानी देते रहेंगे। अब दोस्तों ये देखिए, ये पानी है, ये नीला कलर दिख रहा है, क्योंकि इसमें मैंने सॉफ्ट फंगिसाइड मिलाया है। दोस्तों अब इसको हम पूरा डाल देंगे, तो पहली बार पूरा पानी भरें, इसमें और डालूँगी। दोस्तों पहली बार इतना पानी दें कि नीचे से निकलने लगे, इतना पानी दें। ये देखिए दोस्तों, मैंने डाल दिया है पानी। दोस्तों मिट्टी एकदम बेल ड्रेन बनाए। तो दोस्तों देखिए, मैंने अमरूद का पौधा रिपोर्ट कर दिया है। तो दोस्तों जब भी गार्डनिंग करें तो फूलों के साथ साथ फलों के भी पौधे लगाएं। फल देंगे या नहीं देंगे वो तो बात की बात है, पर फलों के पौधे अच्छे भी लगते हैं।
फूलों के तो अच्छे लगते ही हैं, नींबू हो गया, अमरूद हो गया। दोस्तों आजकल तो आम के भी ग्राफ्टेड आ रहे हैं जो गमलों में, थोड़े बड़े गमलों में लगकर फल दे रहे हैं। ये मैंने भी एक बड़ा ही थर्माकोल का डिब्बा था, आलू को निकाल करके इसको लगाया। दोस्तों फरवरी और मार्च तक आप कोई भी पौधा लगाएं, जिस तरह बारिश में अच्छे से पकड़ता है, इस समय भी अच्छे से चल जाते हैं दोस्तों। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।